प्रोग्राम तीर निशाने ते लैके असीं हाज़र हाँ। मैं हाँ पंकज, तो मेरे नाल बलजीत सिंह जी। सर स्वागत है जी प्रोग्राम। शुक्रिया पंकज जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। भारत में क्या तो यह जा रहा है भी आने वाले समय के साडे प्रधानमंत्री होना का भी बयान सी भी गरीबी जी रहन नहीं देनी इतनी, तो लोग जोड़े चप्पल पचा पाते ना, सिर्फ चप्पल इन नसीब होंगे वह भी जहाज यात्रा कराया करे, तो साडा जो रहन सहन बहुत उच्चा हो जू उच्च पद्धर का होजूगा, तो अमीरी जी है वह ठाठा मारूगी साड़ी। पर थोड़ा जा कह लो इस तो उल्ट होया कि गरीबी जी ज़्यादा वध गई, तो उन्होंने गरीबों के एक होर ना शामिल हो गया प्रकाश सिंह बादल होना का, वह गरीब हो गया। यह खुलासा इनकम टैक्स रिटर्न जी उन्होंने भरी है उस तो होया, क्योंकि पार्टी फंड की जी रिटर्न भरनी होंगी है, जो उन्होंने रिटर्न भरी है तो उतों ये पता लगा भी पार्टी फंड के जोड़ा पैसा आया से उन्होंने इलैक्शन लड़न वास्ते 30-30 लाख रुपया जोड़ा सुखबीर बादल होना तो प्रकाश सिंह बादल होना उस फंड जमा कराया गया सी इलैक्शन लड़न वास्ते, मतलब उन्होंने को पैसा है नहीं सी जे गरीब हो गए। तो आई टी आर ने खुलासा कर दिया भी भारत में एक गरीब होर वध गया परिवार गरीब जी। देखो गल ये हैगी है कि तुहानू ये तो पता ही है ना कि हुण इन्हां दा बेड़ा जिहड़ा डुबण किनारे आ जी, और यह जिहड़ा नवां इनकशाफ होया उस तो जाहिर है कि 30-30 लाख रुपया बादल नूं, प्रकाश सिंह बादल नूं 30 लाख रुपया, सुखबीर सिंह बादल नूं पार्टी फंड चों दित्ता गया तां जो चोण लड़ सकण, क्योंकि उन्हां दी आर्थिक हालत बहुत कहिंदे माड़ी है और उन्हां कोल समर्था नहीं चोण लड़न वास्ते, क्योंकि कुछ फंड चाहीदा। तो इस करके 97 कैंडीडेट से टोटल, तो 95 कैंडीडेट नूं दवानी नहीं दित्ती गई, जिन्हां दे विच गरीब गुरबे भी बेचारे होणगे, तुहानूं पता है कि आर्थिक तौर पर पछड़े वर्ग ने जिहड़े, वह भी नुमाइंदगी उन्हां दी हैगी अकाली दल च, कोई पैसे नहीं दित्ता इन्हां नूं दित्ता। हुण इत्थों की साबित हुंदा है, तो एक यह इशारा मात्र या कह लो एक संकेत मात्र, पर इत्थों पता लगता कि पैसे की भुख कि नहीं है। मतलब जिहड़ी बीबी सीगी सुरेंद्र कौर सरदार प्रकाश सिंह बादल की सुपत्नी, वह मलोट के एक मक्कड़ पैलेस से, उस मक्कड़ पैलेस के दरबार ला के बह जाती सी और उत्थे फिर मतलब लोग आउंदे सी अपनियां समस्यावां लैके, वह फिर उत्थे उन्हां नूं दस दिंदी सी कि भाई ऐ नहीं होना काम इह, ठीक इह तां मतलब इन्ने मतलब लगणगे, वह उन्हां दे जिहड़े गुरगे हुंदे सीगे वह उन्हां दे कन्नां च पा दिंदे सी, जिहड़े उत्थे आ के फरियादी हुंदे सी भी इन्ने दे दिओ, जिहड़े दे दिंदे सी काम हो जांदा सी। बलवंत सिंह रामू वालीए ने एक वारी ये गल कही सी कि बीबी नाल जदों मेरी गलबात हुई तो मैं उन्हूं पुछया कि तुहाडा जीवन का उद्देश की है, एम की है, निशाना की है, वह कहिंदी मैं सारी दुनिया तो वध अमीर औरत बनना चाहुंदी हाँ, मतलब मेरे तो वध के कोई अमीर औरत ना होवे, यह उहदी ख्वाहिश सी। उदों बाद की होया कि बीबी नूं चक के फिरदे रहे कदे अमरीका कदे किते कदे किते, और वह बीबी बच ना सकी ते नाल की लैके गई कुछ नहीं। एक मतलब बंदा हुंदा उन्हूं सबक मिलदा उह याद कर लैंदा सिख लैंदा, पर इन्हां ने कुछ नहीं सिखिया। इन्हां ने गुरद्वारां दीआं जायदादां नूं लुट्टिया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जरिए गुरु की गोलक लुटी इन्होंने, गुरुद्वारा दी जिहड़ियां इमारतां बनदियां ने भी एक वड्डा घपला। वह की घपला है, यह जिहड़ी कार सेवा वाले तुसीं देखिया होणा इत्थों ट्रक लंघदे, कार सेवा वाले बाबे फलाने वाले जगाधरी वाले कार सेवा वाले फलाने वाले, ये सारे दलाल ने, कोई कार कूर सेवा नाल इन्हां दा तल्लक नहीं हुंदा, इन्हां दे मन च कोई श्रद्धा नहीं हुंदी। अच्छा, यह मतलब दलाल ने। यह की करदे आ, यह जिवें श्रोमणी कमेटी कोले गए या बादल कोले गए, इन्हां ने कहा जी भी तुसीं तरन तारण साहब जिहड़ा इतिहासक गुरद्वारा है उहदे पिछे जिहड़े मकान सीगे उहनां नूं उहनां दा मुआवजा दे के, ते हुण गुरद्वारा परिसर है जिहड़ा इहदा ज्यूरिसडिक्शन वधाउणा आपां, इहनूं मतलब अग्गे इमारती समूह वड्डा करना जी, तां उहदे वास्ते असीं कार सेवा लैणी चाहुंदे आ। तो फिर कहिंदे भी दसो किन्ने पैसे दोगे सानू, ठीक मतलब वो कार सेवा वेची जाती है, वो कार सेवा का सौदा मान लो उन्होंने कहता भी असी 4 करोड़ रुपया थोनू देंगे, पर उन्होंने कोले 4 करोड़ कितों आएंगे, उन्हों का सोर्स ऑफ इनकम की होगा, मतलब जिहड़ा 4 करोड़ वो कमेटी नूं देणगे जां बादलां नूं देणगे, वो 4 करोड़ कितों, वो तुसीं वेख्या होना भी जो तुसीं गुरुद्वारे च जाओगे उत्थे छाबे लैके बैठे होंदे ना, उत्थे गोलकां रखियां होंदियां ने जी 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 जी, है ना। हुण संगत नूं जज्बाती तौर ते जां गुरु दे नां ते गुमराह कीता जांदा, और बीबियां कई कमलियां तां उत्थे अपने कड़े सोने दे लाह के रख जांदियां ने, मुंदरियां रख जांदियां ने। तुसीं जाओ किते श्री हरिमंदर साहब दर्शनी ड्यूटी दे सामने इक इमारत दी मतलब उस वेले कार सेवा हुंदी सी, और उत्थे तुसीं देखा ना शीशे दे उस च कि उत्थे गहने भी कित्थे इत्थों तक पए है। हुण वह सारा कुछ जिहड़ा है वह एक तरह नाल लुट्ट दा माल है,
ठीक, क्योंकि लोगों इन्नी आस्था है उत्थे डॉलर भी चढ़ाई जाते पाउंड भी दराम भी मतलब दुनिया भर के सिक्के जिहड़े उत्थे होंदे ठीक। सो ओह करोड़ां रुपये का अपना व्यापार करते हुण बादल के ने जिहड़े मतलब इन्होंने 10 साल पंजाब नूं लुट्टिया ते रज के कुटिया और किहड़ा व्यापार सी पंजाब दा जिहड़े दे च इन्हां ने पैसा इनवैसट नहीं किया या व्यापार अपने कोले नहीं दबिया, वड्डे वड्डे लोगों के व्यापार दब ले इन्हां ने। हुण तुसीं देखो कि इस मुद्दे ते ना तो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान हरजिंदर सिंह धामी बोलता, वह बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते तो कुकी जांदा, जिहड़े डकैत अंदर बैठे ने श्रोमणी कमेटी उन्हां बारे बोलता नहीं। इवें जिहड़ा श्रोमणी कमेटी का तनखाहदार मुलाजम है आ ज्ञानी हरप्रीत सिंह जथेदार अकाल तख्त, यह भी मूँह च खिला पा के बह जाता उदों जदों कोई इस तरह की गल हुंदी है तो बाद दे विच बांगा देने लग जाता। सो गल यह हैगी है कि जिन्नी देर तक तुसीं इन्हां लुटेरियां नूं दरबदर नहीं करदे उन्नी देर तक ना तो सिख कौम का कुछ बन सकता और ना गुरु की अजमत बहाल हो सकती। मतलब इन्हां दी जिहड़ी अमीरी है वह बरकरार है पर दिखावे विच बादल साहब बहुत गरीब हो रहे हैं। देखो अमीरी हुंदी है तुहाडे हालात की, वो कहते ना बुलंदी चाहते इंसानों की फितरत में पोशीदा कोई हो भेस लेकिन निशाने सुल्तानी नहीं जाती। जे बंदा अमीर है ना वो कच्छा पा के भी जो चौंक च खड़ा ना तो वो पता लग जूगा कि सुल्तान है। पर यह जरा व्यू है दानिशमंद बंदे का हो सकता है, राजनीतिक बंदे की अमीरी तो पैसे ना ही होंगी। हाँ वो पैसे ना ही होंगी है, पर तुम वेखो ना कि जदों वो कहते ना केल करेंदे हंच नूं अचिंते बाज पए तिस रब दे केलां विसरियां जो मन चित न चेतई से गाली रब की है, वो हालत हो जाती है फिर। अच्छा तुसीं गल कीती सी एक विच कि अचानक कुछ भी हो जाता है तो गए तो सीगे वाल कटाउण सलोन दे उत्ते ते अचानक उत्ते छापा जिहा पै गया, बंदे चौके लै गए आ। गल मैं कर रहा जी भारत भूषण अशोक उहनां दी, पहलां खाद मंत्री रहे आ ते होया इह कि इहनां ने विजिलेंस जिहड़ा ब्यूरो है साडा उहदे दफ्तर दे बाहर धरना देता भी तुसीं साडियां गिरफ्तारियां कर रहे हो साडे ते ये कर रहे हो आह दोष ला रहे हो लो जी कर लो सानूं गिरफ्तार। असीं आ गए इहनां ने जी आ के मोहरे जी छातियां खड़ियां करतियां अपणियां भी भुन दिओ जी। उह फिर उह भी भुनण नूं तैयार सी उस टाइम ते कुछ नहीं किया। इह किते कहिंदे जी सलोन च वड़े है उत्थे वाले वाल कटाउंदे पए सी अद्धे कट्टे कहिंदे इहनां दे अद्धे रहिंदे सी खरे खरे पूरे कटाणे पए खरे इहनां नूं ते इहनां ने उत्थों इहनां नूं गिरफ्तार कर लिया। उस तों बाद कर रहे सारा कुछ सैलून दे विच अपनी हजामत करवाउण गए होने पर हजामत कोई होर ही कर गया कोई होर ही आ के हजामत दा आनंद लै गया ते हुण वड़िंग सब तड़िंग हो गए ने कहिंदे वी इह की गल बणी वी पहलां तुसीं आप ही तां कहा सी गिरफ्तार करो हुण इहनां ने कर लिया ते हुण रौला क्यों पाउंदे हो। पंकज जी तुसीं वेख्या होणा कदे कां देखिया ध्यान नाल कावां दी इकजुटता वेखी नहीं देखी। जे उहनां दा कोई बच्चा मर जाए रब ना करे जां कोई बच्चा जख्मी हो जाए जां थल्ले डिग पे वह असमान जरा सिर ते चक लेंदे हाँ जी इवें सारे कां कट्ठे हो गए ते सारे दे सारे भले मानस ने भली मानसी कोई किसी तो पिछे पिछे ना राजा बड़िंग पिछे आ भली मानसी च मतलब सारे जिहड़े कहिंदे हुंदे ना भी एक चोर नूं बचाउण वास्ते बाकी सारे चोर कथित तौर ते उत्थे पहुँच गए। हुण इहदे विच इक होर कुंडी है जी, भारत भूषण आशू नूं गिरफ्तार करदी है विजिलेंस, विजिलेंस जवाब दे आ मुख्यमंत्री नूं सिद्धी क्योंकि गृह मंत्रालय उहनां दे कोले आ विजिलेंस विभाग भी उहनां कोले आ। हुण तुसीं देखो कि की इहदा मतलब इह है कि आम आदमी पार्टी बहुत ईमानदार भारत भूषण आशू की भैण नूं डिप्टी एडवोकेट जनरल लाउंदी है जी तो इहदा मतलब यह भी भारत भूषण आशू का प्रभाव है जी ते यह सारा ड्रामा उस नूं फड़न वाला यह सिर्फ लोगों को सुनेहा देने वास्ते है हिमाचल ते गुजरात दे विच कि जी देखो भ्रिष्टाचार वास्ते साडे कोल जीरो टॉलरेंस है। पर चलो एक गल भी है कि उन्होंने जी उन्होंने बनाया है उन्हां दी भैण दी अपनी काबिलियत भी तो होगी ना, चलो उन्हां दी काबिलियत भी लाया होगा मान लो भी इन्हां दा कोई इन्फ्लुएंस नहीं सी या इन्हां दा कोई प्रभाव नहीं सी भारत भूषण उन्हां दा ते उन्हां दी काबिलियत दे उपर उन्हां नूं लाया गया। पर एक चीज़ जिहड़ी नहीं समझ लग रही वह यह लग रही नहीं यह नहीं मतलब समझ लग रही बई कांग्रेस के किन्ने अधिकारी इन्हां ने किन्ने मंत्री गिरफ़्तार किए आ ते लभा तां कख नहीं किसे कोलों। फिर देखो जी गोधरा कांड वाले भी बंदे बरी हो गए, बिल्किस बानो वाले बरी हो गए, ये जिन्ने सारे केस सारे तो बरी हो जाते हैं एक केस है भी है कि झूठे बनाए इन्होंने। देखो गल की होंगी है कि इस आवाम च सारे ही नंगे है जिदा जिन्ना क जोर चलता चला लेंदा उन्होंने यह होंदा कि चलो बहजा बहजा हो जूगी एक बार लोगों के है तो सारे ही नंगे ना वो कहें ना भी शहर बनारस हो गया एवं बदनाम तको अपने आप में कौन नहीं है ठग सारे ठग ने और सियासत के ठगी तो बिना गुजारा ही नहीं गुजारा नहीं हूँ। तुम देखो
कि भारत भूषण आशू के उत्ते इल्ज़ाम की है, वो इल्ज़ाम भी ठीक है, मैं नहीं कहता भी वह गलत है। वो ये है कि लुधियाने दे विच जिहड़ी भी कोई जिनस है मंडिया दे विच पई, उस दी ढोआ ढोआई वास्ते टेंडर भरे जाते हैं। वो टेंडर जिहड़े हुंदे ने उहदे चों बंदा दसदा कि जी मेरे कोल इस तरह के आवाजाई के साधन मौजूद ने, इन्ने ट्रक ने, इन्नियां ट्रालियां ने, ट्रैक्टर ने, और मेरे कोल लेबर का इन्ना प्रबंध है, ठीक। वह सारा कुछ इन्होंने कागजी दिखाया कि वह जो वाइकल दिखाए, व्हीकल जिन्हें भी दिखाए, वो कोई तो स्कूटर का नंबर है, समझ दो गल, कोई मोटरसाइकिल का, कोई टू व्हीलर का, इस तरह। वह 2,000 करोड़ तो वध दी ठगी है, और वह ठगी हैगी है क्योंकि ठग हमेशा बहुत उच्चा बोलता हों, जिहड़ा बंदा ठग नहीं ना वह कहता चल कर लो देख लो जो मर्जी कर लो, ठग सब तो ज्यादा रौला पाऊ, चोर सब तो ज्यादा रौला पाऊ, भी मैं चोर नहीं गा। हुण इहदे च इह है, इह उह बंदा है जिहड़ा कहिंदा सी कदे जदों एक DSP ने उन्हां नूं कहा कि अदालती हुक्मां दे तहत मैं आह कार्रवाई कर रहा तो भारत भूषण जी तुसीं इहदे विच दखल अंदाजी ना करो जी, तो यह कहिंदा भी अदालत नूं जाके कह दी मैं मंत्री हाँ, मंत्री ने मैनूं कहा, मैं परवाह परू नहीं करदा अदालत दी, ठीक। और ये बंदे ना अंदरों बुजदिल बहुत होंगे ने, जोड़ा बंदा बहुत कहता ना मैं नहीं डरता फलाना नहीं होंदा, हुण इह भिज्जी बिल्ली बनया। और दूसरे पासे सितम जरीफी देखो कि बिट्टू वो पुछ रहा है कि वारंट कित्थे है, और तेरे भाई दादे ने तो बिना वरंटा तो मुंडे बरवाते, बिल्कुल घरों उदों तां तू कहा ना भी कित्थे वरंट है, जदों केतिया कांड होया उहदा तैनूं पता नहीं गा, वो एक औरत की आबरू तार तार कर दिती गई, और बेशर्मी की इंतहा है कि तुम अपने आप को आगू कहने हो, और फिर तुम सरकारी खिलतां लै लै के अपने जवाकों को किसी को DC लुवा, किसी को DSP लवाता, किसी को कुछ लवाता। तो गल यह हैगी है कि जिहड़े बंदे अज पुलिस नूं इह वरंट पुछ रहे ने वो दिन भुल गए ने जिन्हां घरां दे विच हुण तक मतलब रुदन हुंदा, और ये बचने नहीं चाहिए बंदे। मैं कहना भी जिहड़ा भी बंदा कोई करप्ट हैगा, और करप्शन ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 6,000 10,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜ਼ੀਰੋ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ, ਠੀਕ। ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 4,200 ਯੂਨਿਟ ਫੂਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 2,650 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ 0 ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਇੱਕ 0 ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40-40 ਰੁਪਏ ਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਨਾ ਵੀ 0 ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਤਲਬ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀਓਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੁੜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਦੀ ਵੋਟ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਕੇਸ਼ ਟਕਾਇਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਖੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਹੋਏ, ਚਲੀਏ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।